इस ट्रेन में आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर जो कॉन्सेप्ट है वो बता रही हूँ। बोर्ड में इसका क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया हुआ है और इस बार कंपार्टमेंट आने के चांसेस भी है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक तो आप इसे ड्रॉ करना देख लीजिए, क्योंकि इसका केवल ड्रॉ करने को भी आ जाता है। पहले मैं इसकी सीरीज का डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। फर्स्ट सीरीज जो होती है उसे हम लाइमन सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज। और इसकी स्टार्टिंग आपको पता है, इसमें अगर हम N1 की वैल्यू लें तो 1 रहेगी और N2 जो है वो 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए मैं आपको लैम्डा लिखना बता रही हूँ। तो 1/λ = लिखते थे हम R, 1/N1² - 1/N2² तो इन केस ऑफ लैम्डा आप ये वैल्यू डायरेक्ट 1/1² - n² से लिखिएगा और n, और यहाँ पे लिख सकते हो n कैन असाइन अ वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी। और यहाँ ध्यान रखिए r की वैल्यू जब आप लगाते हो तो सीधे सीधे r रिडवर्क कांस्टेंट है, तो 1/r याद रखिए 912 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू के लिए ध्यान रखिए, n की जगह इन्फिनिटी प्लेस करेंगे तो 1/λ = आ जाएगा r 1/1² - 1/∞² इन्फिनिटी जब भी अपॉन में आता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो फाइनली यू हैव गॉट λ = 1/r, दैट इज 912 एंगस्ट्रॉम। ये इसकी इन्फिनिटी और लिमिटिंग वैल्यू हो गई है, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा, लिमिटिंग वैल्यू। सेम मैं आपको सेकेंड सीरीज के बारे में बता रही हूँ। सेकेंड सीरीज है बाल्मर, BALMER बाल्मर सीरीज। और यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो 1/λ = आ रहेगा 1/2² - 1/n² और n की वैल्यू आप 3, 4, 5 कोई भी असाइन कर सकते हो, पर इंटीग्रल वैल्यू होगी। नेक्स्ट सीरीज है आपकी पाशन, PASCHEN पाशन सीरीज। और यहाँ आप लैम्डा लिखोगे तो 1/λ = आर 1/3² - 1/n² और n कैन असाइन 4, 5, 6 एनी वैल्यू। नेक्स्ट सीरीज है आपकी ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट सीरीज। और इसके लिए 1/λ = आर लिखेंगे 1/4² - 1/n² और n की वैल्यू 5, 6, 7। तो इसमें याद रखने का फॉर्मेट याद रखिए, जो भी हम यहाँ वैल्यू ले रहे हैं उससे नेक्स्ट वैल्यू को इंक्रीज करके ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी पीफन सीरीज। तो यहाँ पे 1/λ = लिखेंगे आर, ये होगा 1/5² - 1/n² और n कैन असाइन वैल्यू 6, 7, 8 .. अप टू इन्फिनिटी एनीथिंग। लिमिटिंग के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखिएगा। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का रे डायग्राम ड्रॉ करना बता रही हूँ। उसके लिए हमें जो सीरीज बनानी है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। सबसे ग्राउंड लेवल पर आप जो बनाओगे वो n = 1 होगा और इस वाली सीरीज को आप बोलोगे लाइमन, LYMAN। और 1 के बाद जो आप डिस्टेंस रखोगे वो डिस्टेंस काफी लार्ज होगा। 1 के बाद आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो डिफरेंस कितना ज्यादा है, n = 2 हो गया। और इस सीरीज को आप लिखोगे बाल्मर। 2 के बाद जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम होगा और इसे आप लिखोगे n = 3। अभी हम नेमिंग कर देंगे n = 3 और 3 के बाद जो डिस्टेंस है वो थोड़ा और कम हो जाएगा, दैट इज n = 4। नेक्स्ट आप n = 5 इस डिफरेंस को और कम करोगे, ये n = 5 है। और 6 में आप एक और छोटा सा गैप करोगे, 6 ये है आपका n = 6। और इसके बाद से जो लाइंस बनाओगे उन्हें आप पास पास ड्रॉ कर सकते हो और इनको नंबर इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, पैरेलल लाइंस है तो थोड़ा सही से बनाइएगा कि डिस्टेंस मेंटेन रहे और ये लाइंस बहुत पास पास हो जाएंगी और लास्ट में आप ऐसे ही छोड़ दोगे। तो देखो हम n = 1 की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं ट्रांजिशन ले रही हूँ n = 6 से आपका, अगर मैं आपका n = 6 से ले रही हूँ तो देखिए पहली लाइन n = 6 से ग्राउंड लेवल में आ रही है, फिर सेकेंड लाइन n = 5 से ग्राउंड लेवल में आ रही है, यहाँ आप एरो लगाएंगे, और उसके बाद जो थर्ड लाइन आ रही है
वो n इक्वल टू 5 से आ रही है ग्राउंड लेवल में. नेक्स्ट n इक्वल टू 4 से आ रही है ग्राउंड लेवल में. एंड नेक्स्ट n इक्वल टू 3 से ड्रॉ कर रहे हो आप, और नेक्स्ट है आपकी n इक्वल टू 2 से. तो जब भी सारी लाइंस, ये इनिशियल स्पेक्ट्रा है क्योंकि आप हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहे हो, तो आप ध्यान रखो अगर सारी लाइंस जो होती हैं वो ग्राउंड लेवल में वापस आती हैं तो लाइमन सीरीज होती है. सेम हम बालमन में करेंगे. पहले हम n इक्वल टू 6 से 2 में आ रहे हैं, फिर n इक्वल टू 5 से 2 में आ रहे हैं, फिर n इक्वल टू 4 से 2 में आ रहे हैं, फिर n इक्वल टू 3 से, देन n इक्वल सॉरी 4 से, देन 3 से. तो ये जो सीरीज बन रही है आपकी, दैट इज योर बालमन. इमिशन स्पेक्ट्रा है, फिर से बता रही हूँ, एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. अब आप सारी लाइन क्या कर रहे हो, n इक्वल टू 6 से आप 3 में आ रहे हो, देन आप 5 से आ रहे हो 3 में, इसके बाद आप 5 से 4 से आ रहे हो, और ये लास्ट लाइन है आपकी. तो ये जो सीरीज बन रही है वो है आपकी पार्शन, PASCHEN, पार्शन सीरीज. यहाँ हम थर्ड में लौट कर आए. नेक्स्ट देखिए आप इस लेवल से 4 में आ रहे हैं, फिर इस लेवल से भी 4 में आ रहे हैं, और यहाँ से भी 4 में आ रहे हैं. तो यहाँ जो सीरीज बन रही है दैट इज योर ब्रैकेट. एंड नेक्स्ट में आप n इक्वल टू 5 में आ रहे हो, तो एक ट्रांजिशन आपका ये रहेगा और एक ट्रांजिशन है ये. ये जो सीरीज है वो है आपकी पी फोन, एफ यू एन डी फोन. तो केवल ये डायग्राम ड्रॉ करते समय जो ध्यान रखना है वो ये कि n इक्वल टू 1 टू 2 बहुत ज्यादा स्पेसिंग होनी चाहिए, 2 से 3 स्पेसिंग थोड़ा कम, 3 टू 4 थोड़ा और डिक्रीज कीजिए, n टू 5 में भी आप डिक्रीज करोगे, n इक्वल टू 6 में गैप और कम हो जाएगा, और इसके बाद आप पैरेलल लाइंस बनाकर छोड़ दोगे. तो स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करते समय अगर आप प्रॉपरली डिजाइन नहीं करोगे, इनका गैप प्रॉपरली नहीं रखोगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. और ये जो ट्रांजिशन लाइंस हैं उनका एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाइएगा अगर क्वेश्चन में इंडिकेट हो इमिशन वर्ड. अभी मैं